हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर टॉपर्स पॉइंट इंदौर के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज हम आपके लिए लाए हैं आईएएम आईपीएम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यदि आप 12th के बाद डायरेक्ट आईएएम इंदौर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आईएएम आईपीएम से अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है। और ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी स्टूडेंट आईपीएम की एग्ज़ाम दे सकता है। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसकी फीस क्या होती है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, इसके फॉर्म कब आते हैं, सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ आते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, और इसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन हम आज आपको देने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हमेशा ही आपके लिए लाते हैं एजुकेशनल वीडियोस। आईएएम आईपीएम को आईपीएमएटी भी कहा जाता है, जिसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये कौन कंडक्ट कराता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर इसको कंडक्ट कराता है। ये एग्ज़ाम साल में एक बार होती है और नेशनल लेवल की एग्ज़ाम होती है। इसका पेपर केवल और केवल इंग्लिश में आता है, हिंदी में इसकी एग्ज़ाम नहीं होती है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना पड़ता है, जिसकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है 4,130 रुपये। और जब आप इसकी एग्ज़ाम जो रहती है, एमसीक्यू एग्ज़ाम होती है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, काउंसलिंग ऑफलाइन होती है। इसका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 2 घंटे होता है, जिसके इसके लिए आईपीएम के अंदर आईपीएम के लिए इंदौर में आईएम में 120 सीट्स होती हैं। तो ये तो कुछ हाईलाइट्स थी आईपीएम की। आइए आप जानते हैं एग्ज़ाम कौन दे सकता है। ये एग्ज़ाम 12th क्लास का किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट दे सकता है, कोई भी बोर्ड से दे सकते हैं, चाहे आप एमपी बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के, गुजरात बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई, किसी भी बोर्ड से हों, कोई भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। ये एग्ज़ाम में 10th और 12th दोनों में ही मिनिमम 60% होना चाहिए जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 55% होना चाहिए, 10th और 12th दोनों में मिनिमम इतना परसेंट होना चाहिए। इसमें एज लिमिट भी होती है, जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए मिनिमम एज लिमिट होती है 20 साल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उसके 1st ऑफ अगस्त तक। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए मिनिमम एज लिमिट जो रहती है 25 ईयर्स होती है, ये 1st ऑफ अगस्त तक, जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं। तो 12th क्लास का स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकता है, लेकिन 10th और 12th दोनों में मिनिमम 60% होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। अब जानते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। तो इसका एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होता है, जिसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मिनट का टाइम होता है। वर्बल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मिनट का टाइम होता है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसको ऐसे बोला जाता है, इसके अंदर 20 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मिनट का टाइम होता है। 2 आवर्स की एग्जाम होती है, 100 क्वेश्चंस आते हैं। अब इसकी मार्किंग स्कीम, तो इसके अंदर 4 नंबर का 1 क्वेश्चंस होता है। 1 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 4 नंबर आपको पूरे मिलते हैं। निगेटिव मार्किंग होती है, अगर आपने 1 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपको 1 मार्क्स इसमें कट जाता है। लेकिन इसका जो क्वांटिटेटिव वैलिडिटी SA, जिसकी 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 400 नंबर का ये पेपर होता है, 1 नंबर की इसमें माइनस मार्किंग होती है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 4 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, 400 मार्क्स का ये पेपर होता है, 1 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होती है, जिसको 0.25 भी बोल सकते हैं। जानते हैं एग्जाम सेंटर। ये एग्जाम नेशनल लेवल की एग्जाम होती है, ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट होती है। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 3 एग्जाम सेंटर भरना पड़ता है, वही आपको मिल जाते हैं। गुजरात में अहमदाबाद में होता है, कर्नाटक में, बेंगलुरु में, मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, 3 इसके एग्जाम सेंटर होते हैं। उड़ीसा में भुवनेश्वर है, चंडीगढ़, तमिलनाडु में चेन्नई में, उत्तराखंड में देहरादून है, उत्तर प्रदेश में 4 इसके एग्जाम सेंटर होते हैं, गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, हरियाणा में, गुड़गांव में, असम, गुवाहाटी में होता है, और तेलंगाना में, हैदराबाद में होता है, राजस्थान, जयपुर, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में होता है, केरला में, कोचीकुड़ी में, और महाराष्ट्र में मुंबई और नागपुर, पुणे इसके एग्जाम सेंटर्स होते हैं, दिल्ली में न्यू दिल्ली होता है, बिहार में पटना में इसके एग्जाम सेंटर्स होते हैं, और छत्तीसगढ़ में रायपुर, झारखंड में रांची, और आंध्र प्रदेश में रहते हैं। ये एग्ज़ाम सेंटर तो थे, जो आप एग्ज़ाम फॉर्म में आपको भरना पड़ता है उसी में मिल जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में एक ही दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। जब आप डॉक्यूमेंट चाहिए एग्ज़ाम देने जब आप जाओगे, तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? आईपीएमएटी का जो आपने फॉर्म भरा है उसका एडमिट कार्ड मिलता है लगेगा, और एक वोटर आईडी लगेगा, वोटर आईडी, वैलिड फोटो आईडी, जिसमें हो सकता है आपकी 10th क्लास की मार्कशीट भी चल जाएगी, आधार कार्ड भी चल जाएगा, और वोटर आईडी भी चल सकता है।
आइए जानते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस। ये दो स्टेप में होती है। पहली बार में आप एप्टीट्यूड का टेस्ट देते हैं। जो स्टूडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं उन शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट को WAT राइटिंग एबिलिटी टेस्ट और IPI पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। जब आप WAT और PI को कंडक्ट कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। एग्जाम में आपको कौन से पोर्शन से कितने परसेंटेज होना चाहिए, जो आप एप्टीट्यूड टेस्ट दिए उसके 50% रहते हैं, राइट, जिसमें आपका राइटिंग टेस्ट रिटन टेस्ट होता है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन, वर्बल एबिलिटी सेक्शन, पर्सनल इंटरव्यू में जो आपने दिया है उसके 35% काउंट होता है और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट के 15% काउंट होता है। तो ये तीन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। इसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए कॉल आ जाता है वहाँ पे। अब आपको बताते हैं कि काउंसलिंग के लिए ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ इसके सेंटर्स होते हैं। ये IPM के सेंटर्स हैं जो कि काउंसलिंग ऑल ओवर इंडिया में होती है। कर्नाटक में, बेंगलुरु में होती है, तमिलनाडु में, चेन्नई में, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसकी एग्ज़ाम काउंसलिंग कराई जाती है। तेलंगाना में, हैदराबाद में, असम, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश में इंदौर में होता है इसका, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, महाराष्ट्र में मुंबई में होती है। और जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा। एक तो IPM का जो आपने फॉर्म भरा उसका एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, उसका रिजल्ट और वैलिड फोटो ID, 10th क्लास की मार्कशीट, आधार कार्ड, वोटर ID, ये सब हो सकता है। आपको 10th, 12th की मार्कशीट और वगैरह ये सब ले जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसका अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा दूसरा वीडियो देखें, जो कि मैंने यहाँ पर लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको। IPM जो IIM इंदौर ने 2011 में फर्स्ट टाइम इसको कंडक्ट कराया था। IIM इंदौर ही इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जिसकी 120 सीट इसमें अवेलेबल है, जिसके लिए आपको IPM की एग्ज़ाम देना पड़ती है। ये 5 साल का कोर्स होता है, एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसके अंदर 3 साल का BBA और 2 साल का MBA ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। और ये इसके अंदर एक यूनिक कोर्स है जिसमें BBA प्लस MBA आ जाता है। और ये इंदौर ऑफ IIM इंदौर इसको कंडक्ट कराता है, जिसमें 120 सीटें, 12th क्लास का स्टूडेंट आपको इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है। इसकी फीस के बारे में भी जानते हैं। ये 5 साल का कोर्स है, फर्स्ट 3 ईयर आपकी 4 लाख पर साल फीस लगती है, पर ईयर 4 लाख रुपीज़ फीस लगती है और नेक्स्ट 2 ईयर 6 लाख रुपए लगती है। मतलब टोटल 5 साल में आपके 30 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। तो आप इस फीस को देख के घबरा मत जाना, क्योंकि आप अगर इसमें एडमिशन्स हो जाता है तो इजीली कोई भी बैंक आपको यहाँ से लोन दे देती है, क्योंकि ये इतना बड़ा ब्रांड है अपने आप में जहाँ से आपको इजीली लोन मिल जाता है। बैंक आगे रह के आती है और आपको लोन देती है, और लोन कराने के बाद जब इसका आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसका परसेंटेज काफ़ी अच्छा जाता है और प्लेसमेंट बहुत अच्छा जाता है। मतलब इसका 87 per annum तक हाईएस्ट पैकेज गया है। मतलब आपकी जॉब वहाँ से अच्छी लगना है और 30 लाख आप खर्च करेंगे और ज़िंदगी भर काफ़ी अच्छा एक कमा सकते हैं। मतलब ये प्लेसमेंट की काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए इसकी फीस की कोई चिंता नहीं रहती है। 30 लाख रुपये 5 साल तक के लिए इसकी फीस रहती है। तो ये तो थी IPM से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है। एक ही वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देना पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि IPM अपने आप में एक ब्रांड एग्जाम है, ऑल ओवर इंडिया में इसकी एग्जाम होती है, 120 सीट होती है। अगर आपको इसमें एडमिशन मिल गया है तो आपका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होगा, आपके साथ एक IIM इंदौर का ब्रांड नेम जुड़ जाएगा। और वैसे भी अगर चाहे आप IIT में एडमिशन ले लें, BE कर लें, BTech कर लें, BCom कर लें, उसके बाद अगर आप MBA करना चाहते हैं तो आप कैट की एग्ज़ाम देना पड़ेगी, और कैट की एग्ज़ाम काफ़ी टफ होती है, जिसके द्वारा एडमिशन लेना काफ़ी टफ प्रोसेस है। लेकिन IPM की एग्ज़ाम कैट के कंपैरिजन में काफ़ी इजी एग्ज़ाम होती है। अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन करके इसकी एग्ज़ाम को क्लियर करेगा तो काफ़ी अच्छे से इसकी एग्ज़ाम क्लियर हो जाती है। तो ये तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको IPM इंदौर की दी है। और अगर इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।